तो अभी हम जा रहे हैं संजू के घर की तरफ, और आज है फिर से हमारा गांव में क्या थे पितृ पूजा। तो ये देखो संजू का बैल, इसको भी फुटेज चाहिए। और तो अभी हम उस रास्ते जा रहे हैं जिस रास्ते बीरू भाई को कल एक प्रेत आत्मा ने डराया था। कल रात को मैं बात बता दूंगा इसकी, जब हम अन्नू और के घर से आए थे उसके बाद बीरू भाई अपने घर गए रात को 2 बजे। तो आज तक तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर संजय सिंह कल हुआ उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि कुछ आया उनके पीछे। अब सच्चाई क्या है, मैं अब सच्चाई क्या बीरू भाई से बताता हूँ, क्या भेज के कुछ डॉल रखे तुम? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, भी तुम बोले हो। नहीं सच, हमारे साफ साफ बोले साफ। और ये अपना तल्लस राय खेत अच्छे से बताऊंगा तुम्हें। तो इधर मेरे दादी का ननियाल भी है। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पर है हमारी अन्नी, देखो हमारी अन्नी यहाँ पर काम कर रही है। और इधर देखो अपनी भांजी को जरा, पियू मामू कहाँ जा रहे हो? हाँ हमारे ज्योति दी बोले कि तुम हमको लेते नहीं हो वीडियो में, तो आज हम ज्योति दी को लेंगे। हेलो बहू, क्या वही? तो अभी हम जा रहे हैं संजू के घर की तरफ, और आज है फिर से हमारा गांव में क्या थे पितृ पूजा। तो आज फिर गाइस, जब से हम आरखे गांव तब से चिकन 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 मटन चिकन मटन, सच में तो परेशान हो गया। और कल तो मेरा गला भी खराब, थोड़ा खराब हो चुका है धूल मिट्टी में रह के थोड़ा। और संजू के घर में पहुँच चुके हम, बस इनको तो बस। और गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मिल खाया यार, खाना सुनी लिया, सॉरी यार, क्योंकि क्या लेकर आया था और रोटी तो है नहीं, बट ये रेट खत्म हो गया तो क्या ला रहे। चल मीते के 2 किलो पीस, चल पीस बड़ा। और यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। हाँ जी, काम का नहीं क्या? कुछ काम जीरो दामे का बैठ रहा, सुनी लड़के गजब बेइज्जती है। चल चल तो आता चल नहीं होगा, चल छोड़ तो, चलो चलो भी। और ये हमारी नई नई नवीली दुल्हन, ये देखो संजू का बैल, इसको भी फुटेज चाहिए। ये संजू का नया घर बना गाइस, ये एक रूम संजू का, एक सूरी का, एक नीचे मुक्की का, और है दूसरा तो हमारा है। अरे दूसरा रूम लॉन्डो मोंडो के लिए है, तो हमारा रूम तो हमको सबसे कोने वाला रूम चाहिए। बोलते यहाँ पे एक फ्रिज रहेगा, एक फ्रिज रहेगा, उसमें हमारी बोतल वोतल रहेगी। यहाँ पे संजू और उसकी वाइफ रहेगी। और ये है, ये है हमारा बेसिक राव जगत सिंह। रोते भी नहीं छोड़ना चाहिए। चला बोल, फाड़ के छुट्टियां जगह दे दो यार, रोटी बाद ये हमारा अभी भी मंदिर बना है। ये गाड़ी तब से यही खड़ी है, कीचड़ में फंस गई थी। आवाज़ आ रही मेरे को बॉडी की, बॉडी फोन में बात करने वाला। और यहाँ प्रकाश नेगी जी, हाँ भाई बाबू क्या हो गया? बाबू क्या कर रहे हो आप? बाबू ने दाल बुझा लिया। बाबू यहाँ पे लाल मिक्स दाल, लाल दाल बिगा रहे हैं बीच में। बाबू सीन भी बहुत चल रहा है। बाबू जी
ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब खाना पीना चल रहा है, हमने तो काट लिया है। तो अभी अब बार रवि भी इंतजार से तेरा मुँह नजर से हम तो ठीक है कक नजर। और अब हम भी खाने सब तो खबर हाल पर हम अब खुद खाना सी समझो। अभी वो हम हो गए लास्ट सड़क ले ले। तो अभी हम अब काटते हैं नींबू वींबू पर का खाओ ठहरा मैं ये बड़ी बेट तुम मजाक ना यार घर में पूजे के बाद हम जा रहे हैं साइकिल की तरफ। और ये देखिए जरा घर में देखिए सुंदर नज़ारा, बिल्कुल शाम के टाइम बारिश आने का मौसम हो चुका है। और संजू सिंह आ रहे हैं पीछे से और आगे जा रहे हैं हमारे वीरू भाई और रब्बी और जगत। तो आज हम अपना टूर लगा रहे हैं सरायखेत की तरफ, देखते हैं कुछ मिल पाता नहीं मिल पाता है। और शाम का मौसम गाइस अचानक से ठंडा हो गया, बादल आ गए हैं आसमान में। अभी तुमने देखा होगा दिन में कि अच्छी खासी धूप खिली थी, बट शाम के टाइम फिर बारिश आने का मौसम हो गया। और ये जो रास्ता है यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा शायद, रोड पे पहुँचने के लिए 5 मिनट लगते हैं घर से जाने में। तो दगड़ियों फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने मंदिर ढाइया में। और इसका नाम कुछ और भी था, क्या नाम है इसका? माता मंदिर ढाइया। मिलन पॉइंट हमारा, मिलन पॉइंट माता मंदिर ढाइया में। और ये माता मंदिर है नाम रखा है हमारे ताऊजी श्री श्री जगदीश सिंह रावत जी के द्वारा। तो अभी हम उस रास्ते जा रहे हैं जिस रास्ते बीरू भाई को कल एक प्रेत आत्मा ने डराया था। कल रात को मैं बात बताऊँ गाइस कि जब हम अन्नू और के घर से आए थे उसके बाद बीरू भाई अपने घर गए रात को 2 बजे। तो आज तक तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर संजय सिंह कल हुआ उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि कुछ आया उनके पीछे। तो वीरू भाई इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं यार तो वीरू भाई बोलने में घबरा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं आज के बाद फिर वो पीछे ना आ जाए। तो अभी हम उसी रास्ते से आगे की तरफ चल रहे हैं। तो जगत जी ये थी वो जगह। बिरदा संजय यू जाग सर ना थोड़ा आगे तो क्या हुआ, मतलब आप जब आपने कल देखो नहीं नहीं संजय जब आप पूरा स्टोरी बताएंगे कि 2 बजे वीरू भाई यहाँ से घर को गए थे है ना, तो 2:01 पर संजय सिंह रावत ने उनको कॉल किया। मैंने कॉल किया तो आप संजय सिंह रावत हमारे पास गवाह है, तो आप बताइए कि वीरू भाई के साथ क्या हुआ। क्या हुआ हम बताते हैं भैया, कल शादी में थे हम, खाना वाना खाया, खाना वाना खा के जैसी थोड़ा प्रोग्राम लेट हुआ तो खाना वाना खाते खाते हमें 2:30 बज गए थे। तो 2 बजे करीबन हम जैसे ही घर के लिए आए तो वीरू भाई ने बोला कि मेरे को अपने घर जाना है। मैंने कहा वीरू भाई आज यहीं सो जाओ आप, बोले नहीं मेरे को जाना है। फिर 2 बजे मैंने कॉल किया, बोले यार मैं अचानक पहले मतलब बहुत बार ही पहले रात वीरत बहुत बार गए हैं लेकिन कल ऐसा हुआ कि कल इन्हें ना बहुत डर लग गया। यही जगह है शायद, यही जगह है कल इनको किसी ने कल दौड़ाया था यहाँ से। वीरू भाई अब सच्चाई क्या है, मैं अब सच्चाई क्या वीरू भाई से बताता हूँ, क्या वैसे के कुछ डॉल लगे तुम? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तुम बोले हो। नहीं सच हमारे आप साफ-साफ बोले नहीं हुआ। अब वो पता नहीं क्या वीरू भाई आप शायद बोलने में घबरा रहे हैं क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, डर लग रहा है। पर ये जगह वाकई में ये गाइस ये जगह है कुछ खतरनाक है ना, क्योंकि ये जगह देखो आप देवभूमि उत्तराखंड में हो तो रूट पे तो नॉर्मल सी बात है ना। तो ये जगह देख लीजिए, डेंजर जगह है वैसे है ना। नहीं तुम आप लोग ये समझोगे हम मजाक करें, बट लिटरली गाइस ये सही बात है कि वीरू भाई को यहाँ से डराया गया, धमकाया गया। तो ऊपर देवी देवताओं के मंदिर भी हैं फिर भी यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब वीरू भाई पे कुछ ना कुछ है ना।
तो अभी हम इसकी जांच पड़ताल आगे बैठाएंगे, सिविल कोर्ट तक लेके जाएंगे और हम जाएंगे वो नो कैसे ठेग्रामा पास जाना मतलब है ना, चावल ऊपर से तीन बार करके ठेग्राम पास जाना उसके बाद जान पड़ा। फिलहाल हम चलते सरायखेत की तरफ और अभी हम जा रहे हैं बीरू भाई के घर की तरफ उनकी जैकेट लेने के लिए क्योंकि ठंड लग रही है और आज से पहले इनको ठंड नहीं लगी ये देखा आपने, पर कल रात के हाथ के बाद उनको ठंड लगने लग गई और अब ये जैकेट पहनने जा रहे हैं घर की तरफ। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो अभी देखना अभी व्हाइट शर्ट व्हाइट टी शर्ट पहनी है अभी जैकेट पहनेंगे और अभी चलते हैं सरायखेत की तरफ। फिलहाल तो अब हम पहुँच चुके हैं बीरू भाई के घर में, तो बीरू भाई ने दो फूल लगाए थे सुंदर सुंदर से गुलाब के फूल और ये बीरू भाई का घर और ये हमारा श्राइन ढे है, ये बीरू भाई का घर और नीचे शंकरचार्य जी का घर और हरा भरा काफी आप तीर्थ बची हम लेते है ना, मतलब रोड के रास्ते तो सुने से हम हमेशा जाते हैं स्कूल जाते हैं बिल्कुल। पता क्या हुआ तो ये अपना वीरू भाई का घर और नीचे ये संगीता का घर, इनकी शादी में हम दिल्ली गए थे तो उनका घर ये रहा, हालांकि हमारे गांव के हैं और तो चन्ना मटर बेचो ये हमारे गांव के चन्ना और प्रिया। तो अभी हम पहुंचे हैं हमारे गांव के मनोज भाई की छन्नी की तरफ, मनोज है हमारे, मनोज भाई कुछ बोलना चाहते हो? कभी मनोज जब हम स्कूल पढ़न छे तो हम ये तरफ बांध छे ना तो हम गिर कर हम बोलो चल भाई दगड़े तो दगड़े जान छे दगड़ान तो यू मनोज उदी हाल अरे मनोज मजू छे ए यार घेर के अगली भाई इतनी बात समझ रहे। तो अभी हम मनोज और के गौशाला से होते हुए पल्ला सरायखेत से होते हुए हम सरायखेत को चलेंगे और ये देखिए ये खाई हमने आज मिस्त्री क्या फोन आ रहा है, इसने मेरी रिंगटोन चोरी कर दी गाई अभी धरा मेरा फोन आना उसे फिर भी सोच के यार मैं फोन में वीडियो बना तो मैं फोन पर कहाँ उसे। ये चक्कर है भाई, ये हमारे गांव के एक अनदर बाकली साइड है जो मैं बता रहा था, यहाँ मेरे भाई बता कि अब खेती कम और बांस के पेड़ ज़्यादा हो गए इस कारण कि ये इलाका काफ़ी ठंडा रहता है और ये हमारा पुराने स्कूल का रास्ता जहाँ से हम शॉर्टकट जाते थे। कभी ऐसा होता कि छोटे बचपन में हमें बड़े बड़े ट्रक से डर लगता था तो दिन में एक दो 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 तीन बजे छुट्टी होती थी तो हम उस रास्ते ना जाते हुए इस रास्ते घर को आते थे दोस्त लोगों के साथ और अभी उसी रास्ते हम पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए सरायखेत की तरफ चल रहे हैं। फिलहाल अब आप यहाँ का नज़ारा चेक कर रही है बॉयज़, थोड़ी मेरे को हिचकी लग रही है तो शायद कोई याद कर रहा है बट आई थिंक ये मीत है तो होता ही नहीं भैया। तो ये नज़ारा चेक करिए आप हमारे पहाड़ का और आज मैंने मेहंदी भी लगाई देखो अपने हाथ पे, किसी के नाम की नहीं अपने नाम की है और ये अपना तल्ला सरायखेत भी अच्छे से बताऊंगा तुम्हें। तो इधर मेरे दादी का ननियाल भी है तो जग दे पता से ये दादी मैं गोभी तो जो वो ऊपर घर दिख रहा है ईशु भाई और वो घर वहाँ है मेरी दादी का ननियाल, तो काफ़ी बार आए हैं हम इस रास्ते और इधर अभी एक दो साल से आना नहीं हुआ ये वाले गांव में। तो ये काफ़ी अच्छा सुंदर सा नज़ारा हो रहा है शाम के टाइम का यहाँ का, तो आप चलो अपनी दादी का ननियाल भी देख लिया फिर से और काफ़ी यादें जुड़ी हैं हमारी यहाँ से इस गाँव से। और तो ये जो रास्ता है तो हम पहले इस रास्ते आते थे और ये नदी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और हम काफ़ी छोटा हुआ करते थे और यहाँ पे नहाए भी हमने, तो कोई पुराने यार दोस्त होंगे हमारे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद उनको याद आएगा कि इस रास्ते हमने बहुत बहुत खेल किए इस नदी में। और एक मेंढक के बच्चे होते ना जो पत्नी उनको बोलते जगत सिंह बोलते क्या हैं मेंढक के बच्चे को डोंक मतलब डोंक था बट मेंढक के बच्चों को हम पकड़ते थे इसमें और ये नदी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और हम काफ़ी छोटे हुआ करते थे। और तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं बीज गोदाम पुलरौल और यहाँ पर हमारा स्टेशन होता था रुकने का बैठने का, यहाँ पे एक हैंडपम्प हुआ करता था अरे इसे तो हमारी यादें जुड़े हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारा स्टेशन हुआ करता था स्कूल बैठ वाली डैम में बैठ कर चीज़ खाँगे ना
और ये रास्ता तो नया बना गया, बट हम उस रास्ते जाते थे पुराने वाले रास्ते, और बट ये उनसे चिपलू, अरे चिपलू बट में क्या उनसे कि हम खल जब बरखा जाता खल खा चिपल उनसे। फिलहाल अब हम पूरे रोल पहुँचे जी, और यहाँ पे बीच गोदाम है हमारे पूरे सरायकेला सेंटर का, और काफ़ी झाड़ियाँ हो चुकी है इस रास्ते, शायद अब लोग आते जाते कम है क्योंकि रोड बन गई है। हम यहाँ पे पहुँचे थे, और ये देखो जरा कल्लू को, कल्लू क्या जमा कक्ष अकेले वे अकेले अकेले छोड़ देते अभी बात चीज़ हाँ जी, पहल 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 चीज किलो, पहल चीज किलो, ना ना पहल चीज किलो, सब जोर से भगवान सम पूजा सरस थाल जी, पहले धमाका जाने पहले पार भी दे चीज, अब गो जान जोर से पार भी दे, पहले चीज खाने दे, पहले पार भी दे चीज खाने दे ना भाई, इसका थोड़ा छोड़न अब दे, अब तो भाई मांगने मिल गए। हम जैसे ही बीज गोदाम के ऊपर पहुंचे, हमको क्या दिखा, हमको क्या दिखा कि ये यहाँ पे एक ट्रक पलट चुका है, और काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है उसका, तो अब हम हेल्प करेंगे उनकी थोड़ा, है ना, जैसे हो जाएगा जगह सिंह। तो गाइस ये पता नहीं कैसे हो गया, शायद उसका उसने गाड़ी काट नहीं पाया, तो यू वाले जब मीट काटने ना तो गल फिर घूल दिन मल खींच ना उसका है गल घूल दिन मल खींच। तो गाइस ये यहाँ पर ऐसा हो रखा है हाल, कुछ पूरा टायर नीचे धंस चुका है, और उस्ताद जी बोल रहे कि साइड देने के चक्कर में हो गया ये सब। तो चलो अभी कोशिश करेंगे निकालने की, आप फौजी भाई क्या हाल चाल, बढ़िया क्या हाल चाल, तो दोस्तों हम मार्केटिंग वार्केटिंग करके आ चुके हैं घर को, और अभी हमने फिर से जाना है अन्नू की ससुराल, अन्नू को विदा करने के लिए, और ये लास्ट दिन होगा शायद, और कल सुबह मेरे को देहरादून के लिए निकलना है। फिलहाल मौसम अभी अंधेरा होने वाला, मौसम सुहाना अंधेरा होने वाला है, और अब हम कन्नी बुजी के लिए हमको फोन पे फोन आ रहे हैं, कहाँ रह गए, आज हम द्वारवाटी में जाएंगे, द्वारवाटी जरूर रहना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सीरीज अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कमेंट लाइक कमेंट जल्दी भाई, सवेरे उठे बने जो वीडियो भाई, कल वहाँ पे तो दिखाना है कि हम पहुँच चुके हैं उनके घर पे। भैया सॉरी यार, ये तो हमारी जुबान फिसल गई, लेकिन वीडियो एंड होगी वहाँ पे जहाँ हम जाएंगे, आज का ठिकाना जहाँ पे है ना वहाँ हम जाएंगे, तो वहाँ ही वीडियो हम एंड करेंगे, समझ गया भाई। अभी चलते हैं घर की तरफ और थोड़ा सा तैयार होकर, तैयार क्या होना है, यही हाँ, मतलब तैयार क्या होना है यार, कपड़े भी लेके नहीं आ रखे हैं भैया, हमारी छुट्टी कम थी यार, वो तो हम दो चार दिन एक्स्ट्रा रुक गए यार, क्या बात कर रहे हो सुनील यार तुम यार, ऐसे अब हम ब्याह चलने फिलहाल, और तब मैंने तो कि तू क्या समझो।